अर्हन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो नोए सब्बशाहूणं एसो पंचन मुक्कारो सब पाव पणासनो मंगलानं च सब्बे सिंह पढ़मं हवै मंगलम पढ़मं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, उपासक दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। आज हम सत्यव्रत के अतिचार को समझेंगे। सबसे पहले हम मूल पाठ जो ओरिजिनल लैंग्वेज है भगवान महावीर स्वामी की प्राकृत भाषा, सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे। तयाणम कर्म च णम थूलगस्स मूसावाय वेरमणस्स पंच अय्यारा जानी यब्बा न समारी समायरी यब्बा तंजहा सहसा अबक्खाने रहसा अबक्खाने सदार मंत भे मोसो ऐसे कूड़ लेह करने। अब इसी का हम एक एक शब्द का मीनिंग समझेंगे। तयाणम तरम चरणम, इसके अनंतर इसके बाद यानी अहिंसा व्रत के अतिचार समझने के बाद अब सत्य व्रत के अतिचार को हम समझेंगे। इसलिए कहा इसके बाद थूलगस्स मूसा वाय वेरमणस्स। थूल का मतलब स्थूल, मूसा का मतलब विषा वाय यानी बाद विषावाद, वेरमणस्स वीरमण व्रत के पंच अय्यारा पंच यानी पांच अय्यारा यानी अतिचार जानी यब्बा जानने चाहिए न समारी यब्बा परंतु आचरण नहीं करना चाहिए। जानना तो चाहिए कि क्या क्या दोष है क्या क्या है, लेकिन हमें उसका आचरण यानी उसकी अप्लाई नहीं करनी चाहिए। तंजहा वे इस प्रकार है सहसा अबक्खाने सहसा अभ्याख्यान सहसा अबक्खाने रहसा अभ्याख्यान सदार मंत्र भे स्वदार मंत्र भे मोसो ऐसे निशोपदेश कुड़ लेह करने और कूट लेख करण। अब इसी को हम डिटेल से नीचे आ रहा है, इसलिए भी डिटेल से नहीं बता रही हूँ, बस जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे सबका डिटेल हम करते जाएंगे समझते जाएंगे। तदनंतर स्थूल मृषावाद वीरमण व्रत के पांच अतिचार जानने चाहिए परंतु उनका आचरण न करना चाहिए। जो स्थूल मृषावाद के जो पांच अतिचार बताए हैं उसको हमें जानना चाहिए लेकिन उसका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार है कौन कौन से, सबसे पहला है सहसा व्याख्यान, किसी पर बिना विचारे मिथ्या आरोप लगाना, क्योंकि आपने सोचा नहीं समझा नहीं बिना विचारे आगे पीछे का कोई चिंतन नहीं किया और किसी के ऊपर झूठा कलंक लगा दिया कि आपने ऐसा किया है, तो झूठा हम आरोप यानी झूठा कलंक लगाते हैं, उससे क्या होता है सामने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उसके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। इसलिए कभी भी बिना विचारे बिना सोचे समझे हमें किसी पर भी झूठा कलंक लगाना नहीं चाहिए, सोच समझ करके भी नहीं लगाना चाहिए। झूठा कलंक तो कभी किसी पर लगाना ही नहीं चाहिए। यदि हम झूठा कलंक किसी पे लगाते हैं तो नेक्स्ट बर्थ में या किसी भी जन्म में हमारे पर भी झूठा कलंक आता है, इसलिए कभी भी झूठा कलंक नहीं लगाना चाहिए। आपको पता है सीता पर कलंक क्यों आया, सीता को कलंकित क्यों होना पड़ा। पूर्व जन्म में कहा जाता है जो सीता का जो जीव था वो सेठ की लड़की थी, बहुत सुंदर थी। एक बार वो बाहर जा रही थी तो रास्ते में देखा मुनिराज व्याख्यान कर रहे थे, इतनी भीड़ थी इतने लोग प्रवचन सुन रहे थे। उसको देख करके उस लड़की को इतनी ईर्ष्या आती है, उसको लगा अरे ये मुनि जी जो मेले कपड़े वाले हैं इतने लोग इनके पास है इतने लेक्चर सुन रहे हैं इतने प्रवचन लोग सुन रहे हैं,
उसको अच्छा नहीं लगता है तो लोगों से क्या कहा, आपको पता है ये मुनि कैसे, साधु कैसे, आपको पता है मैंने इन साधु को एक स्त्री के साथ देखा था। तो सारे लोग छी छी करके, सब जो इतनी भीड़ थी, इतने लोग प्रवचन सुन रहे थे, धीरे धीरे करके सब बिखर जाते हैं, चले जाते हैं। मुनिराज के ऊपर झूठा कलंक आ जाता है कि मुनिराज मतलब ऐसे ऊपर से दिखाते मैं साधु हूँ, अंदर से वो स्त्री को भी रखते हैं, क्योंकि जो साधु होता है पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी होता है, तो ऐसे साधु का हमें प्रवचन नहीं सुनना है। इधर क्या होता है, उसका नाम वेगवती था, सीता का जो पूर्व जन्म था उसमें वो वेगवती थी, सेठ की पुत्री थी, और जैसे उसने झूठा कलंक लगाया उसका मुंह पूरा काला काला हो गया, ब्लैक हो गया। जैसे वो घर आती है, पिताजी ने पूछा, अरे बेटी तुम्हारा मुंह ऐसे कैसे हो गया, क्या तुम कुछ किसी पे आरोप लगा के आई, झूठा कलंक लगा के आई? तो उसने कहा, हाँ हाँ मैंने मुनिराज के ऊपर झूठा कलंक लगाया है, यद्यपि वो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते, वो कोई स्त्री नहीं रखते हैं, फिर भी मेरे मन में इतनी ज्वेलेसी हो गई उनके प्रति, तो मैंने झूठा कलंक, झूठा आरोप उन पे लगा दिया। पिताजी कहते हैं बेटी से, जाओ जल्दी तुम मुनिराज से क्षमा याचना करके आओ, ऐसा झूठा कलंक लगाना अच्छी बात नहीं है। झूठा कलंक जो लगाया था, क्षमा याचना करती है, लेकिन वो नहीं बोलती कि मैंने ऐसा बोला था, वो अधूरा वो क्षमा याचना करती है, लेकिन पूर्ण स्पष्ट रूप से नहीं करती है। तो जिसके कारण क्या है, नेक्स्ट बर्थ उसका सीता का हो जाता है, सीता के ऊपर कलंक आता है कि सीता है वो रावण के घर में रही है, इसीलिए वो शुद्ध नहीं है। इसके कारण राम जी ने क्या किया था, सीता का क्या कर दिया था, परित्याग कर दिया था, सीता का त्याग कर दिया था, वनवास में भेज दिया था। अग्नि परीक्षा लेने की बात पर भी लोगों ने कहा, राम कैसे है जो एक साल कई मतलब रावण के घर जितने महीने रही, उतने समय तक रहने पर भी, पर पुरुष के घर में रहने पर भी राम ने कैसे अपना लिया। यदि हम हो तो एक दिन भी किसी के घर हमारी पत्नी रह जाए तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो राम ने सोचा, जनता में ऐसा हो रहा है तो मुझे अपनी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए। प्रेग्नेंट अवस्था में उसको छोड़ दिया गया। तो राम सीता को कलंकित क्यों होना पड़ा, उसका कलंक रावण के घर में उसको भोगना पड़ा, जो कलंक मुनिराज पे लगाया था झूठा कलंक, इसके कारण सीता को भी कलंकित होना पड़ा। इसलिए हमें किसी पर भी कलंक नहीं लगाना चाहिए, झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर हमें बात पता है तो भी, कोई गुप्त बात हो तो भी हमें प्रकाशित नहीं करना चाहिए। सेकेंड है रहु अभ्याख्यान, किसी की गुप्त बात प्रकाशित करना। सपोज किसी ने आपको कहा, कोई आप अपनी गुप्त बात कह दी, कभी फ्रेंडशिप होते हैं तब बोल देते हैं, या कभी पति पत्नी एक दूसरे को बात बताते हैं, लेकिन पति होता है वो अपनी पत्नी की बात बता देता है कि मेरी पत्नी ऐसा बता रही थी आपके बारे में, या पत्नी अपने हस्बैंड के बारे में बता देती है। तो किसी की जो गुप्त बात होती है, सीक्रेट बात होती है, वो हमें नहीं बताना चाहिए, इससे भी हमारा जो सत्यव्रत है वो खंडित होता है। स्वादार मंत्र भेद, पत्नी की गुप्त बात प्रकट करना, इसमें आगे ना पत्नी की गुप्त बात प्रकट करना, वैसे पति की भी गुप्त बात प्रकट करना, गुप्त सीक्रेट बात को प्रकट करना। निशोपदेश, खोटी सलाह देना या मिथ्या उपदेश देना, यानी झूठी सलाह देना या झूठा उपदेश देना, हाँ आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, कूट लेख करण, खोटा लेख लिखना, अर्थात दूसरे को धोखा देने के लिए जाली दस्तावेज बनाना, दूसरों को धोखा देने के लिए है झूठा सिग्नेचर कर देना। प्रस्तुत पाठ में निशावाद विरमण अर्थात असत्य भाषण के परित्याग रूप व्रत के अतिचार बताए गए हैं। इसमें भी स्थूल विशेषण लगा हुआ है, अर्थात श्रावक स्थूल निशावाद का परित्याग करता है, सूक्ष्म का नहीं। यानी झूठ दो प्रकार का होता है, स्थूल होता है यानी मोटा, यानी बड़ी झूठ नहीं बोलना। यानी जो श्रावक होता है वो सूक्ष्म झूठ से नहीं बच सकता है, क्योंकि वो गृहस्थ है, बिजनेस करता है, तो वो सूक्ष्म झूठ से नहीं बच सकता है, लेकिन जो बड़ी झूठ है उससे वो बच सकता है। ऐसी झूठ ना बोले जो सामने वाले व्यक्ति को नुकसान हो। कहा जाता है जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका जन्म ऐसे स्थानों में होता है जहां उनको वचन योग नहीं मिलता है, यानी उनका जन्म एकेंद्रीय अवस्था में हो जाता है। एकेंद्रीय का मतलब है पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति,
ऐसे स्थानों में उनका जन्म होता है जहां उनको जीव नहीं मिलती है। इसलिए हमें जीव का सही उपयोग करना चाहिए। हमारी जीव वाणी भी बन सकती है, मन वीणा भी बन सकती है और बाण भी बन सकती है। तो हमें भाषा का प्रयोग कैसे करना चाहिए वो हमें सीखना चाहिए। लेकिन झूठ बोलने वाला कहा जाता है, हिंसा करने वाला तो मर करके नरक में जा सकता है, लेकिन योग शास्त्र में कहा है कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो नेक्स्ट बर्थ में निगोद में जन्म ले सकता है। और आपको पता है निगोद में जीव चला गया फिर तो वहां से निकलना बड़ा कठिन है। अनंत उत्सर्गिणी उसी में व्यक्ति का जन्म होता है। इसीलिए हम संकल्प करें कि हम अपनी ओर से कभी भी ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे जो सामने वाले व्यक्ति को नुकसान हो। जानबूझ करके भी नहीं बोलना है हमें झूठ। तो झूठ व्यक्ति क्यों बोलता है, इनमें बताया है, कुछ कारण बताए हैं। कन्यालिक, वही कन्यालिक यानी कन्या संबंधी, यानी जब लड़की की शादी होती है तो जब शादी करनी होती है, वही क्या मतलब जब मैरिज करना होता है उस समय क्या होता है, जो जिसकी शादी हो रही है कन्या की, उसकी एज या तो बड़ी है तो बोलेंगे नहीं 25 की है तो बोलेंगे 22 की है, 22 की है, अगर लड़का बड़ा है तो बोलेंगे 24 की है। ऐसे झूठ बोल देते हैं, लड़का या कन्या बोल दिया लेकिन वैसे ही लड़के के बारे में, लड़का 30 साल का है बताते हैं 25 साल का, या पुराना फोटो भेज देते हैं। ऐसे करके क्या करते हैं, जब शादी का प्रसंग होता है, सगाई का प्रसंग होता है, तब क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं, कन्या के संबंध में भी बोल देते हैं, कभी लड़का होता है बड़ी उम्र का उसके संबंध में भी झूठ बोल देते हैं। और शरीर वाणी मस्तिष्क संबंधी दोषों को छिपाना, कोई पूछेंगे आपकी बेटी एकदम निरोगी है, तंदुरुस्त है, स्वस्थ है? हाँ, हमारी बेटी बहुत निरोगी है, बहुत, यद्यपि उसके शरीर में कई रोग है फिर भी वो बताते नहीं है। कभी कभी मस्तिष्क में कोई दोष होता है, हेडेक होता है, यानी कोई माइग्रेन होता है, उसने पर उसको छिपा देते हैं। उनकी जो योग्यता जितनी है उसको इतना नहीं बढ़ा, जरा बोलेंगे अरे हमारी लड़की तो ऐसी है वैसी, इतना घर का काम करती है, एक पैर से सारा काम कर लेती है, तो वो ऐसे ऐसे भी व्यक्ति क्या कर लेता है, झूठ बोल देता है कन्या के संबंध में। पहला है कन्या संबंधी झूठ, दूसरा है गवालिक। गवालिक का मतलब है पशु का लेन देन करते समय असत्य भाषण करना, जैसे कि थोड़ा दूध देने वाली गाय और भैंस के लिए कहना कि अधिक दूध देती है, अथवा बैल आदि के लिए कहना कि यह अधिक काम कर सकता है परंतु वह उतनी क्षमता वाला नहीं होता इत्यादि। उस जमाने में क्योंकि आनंद साहब जब 12 व्रत शिकार कर रहे थे उस समय उनके पास गाय भैंसे भी बहुत थी, कहा गया कि 40,000 उनके पास गाय भैंसे बैल आदि थे, 40,000 यानी 4 ग्रुप थे उनके पास, एक एक ग्रुप में उनके 10-10,000 पशु थे। उस समय ये बात चलती थी, वर्तमान समय में तो कोई गाय भैंस रखता नहीं है, बहुत कम होंगे जो रखता होगा, अमेरिका में तो सवाल भी नहीं, इंडिया में आजकल नहीं रखते तो अमेरिका में तो कौन रखेगा, तो आप लोग तो अमेरिका में रहते हैं तो कहाँ रखेंगे यहाँ पे। फिर भी यह उस जमाने की बात है, आनंद श्रावक के समय की बात है, क्योंकि उपासक दशा में आनंद श्रावक भगवान महावीर स्वामी से साक्षात 12 व्रत को स्वीकार कर रहे हैं, तो भगवान के सामने ये सारे व्रत स्वीकार किया जा रहा है, तो भगवान ये सारे अतिचार बता रहे हैं आनंद श्रावक को कि गवालिक नहीं, जो पशु के संबंध में जब लेन देन करना हो उस समय झूठ नहीं बोलना है, यानी जैसा जितना दूध देती उतना ही बताना है, लेकिन ऐसा नहीं दूध कम देती है ज्यादा बताना, वो काम इतना नहीं कर सकता है आपका जो बैल है वृक्ष है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं ये तो बहुत ही स्ट्रोंग है, बहुत काम करता है, इतना कितना ही उसको जोत लो फिर भी वो थकता नहीं है, ऐसे झूठ मूठ बोलते हैं, उससे भी क्या होता है श्रावक का व्रत है वो खंडित होता है। ये सारी बातें कौन बता रहा है, किसको बता रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी आनंद श्रावक को ये सारी बातें समझा रहे हैं। भूम्यलिक, तीसरा है झूठ क्यों बोलता है, भूमि यानी आपके पास जमीन है, मान लो 20 बीघा है कि 1,000 बीघा है कि कितनी है आपके पास जमीन, लेकिन आपके पास है ज्यादा कम बता रहे हैं, कम है ज्यादा बता रहे हैं, तो वो भी क्या होता है, खेती बाड़ी आपको करना होता है उस समय भूमि चाहिए, या मकान बनाना होता है उसके लिए भी चाहिए, लेकिन आपके पास जितनी है उससे ज्यादा बताना या कम बताना, मकान आपके पास हाउस 5 है फिर भी झूठ बोल दे रख नहीं हमारे पास 2 घर ही है, छोटे छोटे बड़े हैं फिर बोलेंगे छोटे हैं बड़े हैं, छोटे हैं तो बोले बहुत बड़े घर हैं, झूठ ऐसे बोलने से क्या होता है,
कामक का जो व्रत होता है वो खंडित होता है। न्यासापहार, किसी के न्यास अर्थात धरोहर में रखी हुई वस्तु को हड़प जाना। सपोज कोई आपके पास आया और कहा मैं अमुक दिन दिन के लिए, अमुक महीने के लिए मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ बिजनेस के लिए, अमुक वर्ष के लिए, बाद में लौट करके आऊंगा तब मैं आपसे ये चीज ले लूंगा, अब आप मेरी ये वस्तु को रखे। विश्वास के साथ आपको वो अपनी वस्तु देके जाता है, चाहे सोने का सोने की वस्तु हो, चाहे डायमंड हो, कोई भी या मनी हो, कुछ भी आपके पास रख जाता है। फिर आप क्या करते हैं, उनकी वस्तु को आप हड़प लेते हैं, ले लेते हैं, या आप क्या करते हैं उनका जो धन है उनको छुपा लेते हैं, या उनकी चीज बदल लेते हैं, अच्छी चीज वो रख के गया है तो आपने क्या किया, जानबूझ करके उसकी अच्छी चीज थी, असली चीज थी, उसके स्थान पे नकली चीज रख ली, या जब वो घर पे आता है आपसे मांगने के लिए आप बोलेंगे अरे आपने कब बोल दिया था, वो तो कुछ याद नहीं, क्योंकि उस समय तो कोई सिग्नेचर की प्रथा नहीं थी। तो व्यक्ति क्या करता है, झूठ बोल देता है, जो इतनी बड़ी चीज रख के जाता है उसको भी वो झूठ बोल देता है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, किसी की धरोहर को दबा लेता है, या उनमें जो कि कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई आप जैसे संस्था में कोई काम करते हैं तो आपको किसी ने धन दिया तो आप क्या करते हैं, उसका खर्च अपने घर के लिए करते हैं। तो सार्वजनिक निधि से वैयक्तिक लाभ उठाना, उसे वैयक्तिक प्रसिद्धि या अपने कुटुंब को ऊंचा उठाने में खर्च करना भी इसी के अंतर्गत आता है। आप सपोज कोषाध्यक्ष हैं, आपके पास इतनी मनी है तो आप क्या करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं, या अपनी जो फैमिली है वो कैसे ऊंची आ सकती है उसके लिए आप क्या करते हैं, खर्च करते हैं, तो वो भी झूठ के अंतर्गत आता है। उससे श्रावक का जो व्रत होता है खंडित होता है। कूड़े सखी जम, झूठी गवाही देना यानी झूठी साक्षी देना, कभी कभी ईर्ष्या के बस यानी किसी का काम हो रहा है तो आप ऐसा बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को पता है नहीं, इनके पास इतना कुछ है ही नहीं है, तो ऐसे झूठ बोल रहे थे, इसे झूठी साक्षी देना। उनका जो काम हो रहा था, इतनी बड़ी प्लानिंग थी, वो प्लानिंग फेल हो जाती है क्योंकि आपने झूठी साक्षी दे दी, क्योंकि आपके ऊपर विश्वास था कि हाँ ये बहुत अच्छी है, लेकिन आपके मन में ईर्ष्या आ गई, वैर की भावना या ईर्ष्या बस आपने क्या कर दिया, वो जो इतनी बड़ी प्लानिंग थी वो उनकी फेल कर देते हैं झूठी साक्षी भर के। तो सामने वाले व्यक्ति का जो काम हो रहा था, काम होते होते क्या है, उनकी जो प्लानिंग होती है वो फेल हो जाती है। तो झूठी साक्षी भी हमें नहीं देना चाहिए किसी को। संधि कर, षड्यंत्र करना, षड्यंत्र करते हैं कभी कभी, तो षड्यंत्र करने से उससे भी क्या होता है, श्रावक का जो व्रत होता है वो खंडित होता है। उपरोक्त कार्य स्थूल दिशावाद में आते हैं, वो श्रावक के लिए सर्वथा वर्जित है। ये जो सारे कार्य कारण बताए वो सब के सब स्थूल दिशा यानी बड़ी झूठ के अंतर्गत आते हैं, और इनका सेवन करने से, अप्लाई करने से, आश्रम में लाने से श्रावक का जो व्रत है वो खंडित होता है। इनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि श्रावक के जीवन में व्यवहार शुद्धि पर पूरा बल दिया गया था। व्यापार या अन्य व्यवहार में झूठ बोलने वाला श्रावक नहीं हो सकता था, यानी जो श्रावक होता था एकदम ऑनेस्टी के साथ वो बिजनेस करता है, ऐसा नहीं कि वो बिना मतलब वो असत्य भाषण का प्रयोग करे, बेईमानी करे। तो ऑनेस्टी जितनी होती है उतना विश्वास भी बढ़ता है, उस बिजनेस भी और अच्छा चलता है। और अनीति से यदि धन कमाते हैं तो कहा जाता है वो घर लंबे समय तक, वो जो मनी है वो हमारे घर में टिक नहीं सकती है, 12 साल 12 ईयर से ज्यादा वो टिक नहीं सकती है, और वो आने के बाद घर में अशांति हो जाएगी, या कोई बीमारी हो जाएगी, या आपस में अनबन हो जाएगी, कुछ न कुछ उससे होता है। इसलिए कभी भी हम क्या है, जो बिजनेस करे उसमें हम ऑनेस्टी रखे, ऐसा नहीं कि हम बिना ऑनेस्टी यानी बेईमानी से हम धोखाधड़ी करते रहे, दूसरे को ठगते रहे, दूसरे को धोखा देते रहे, ऐसा काम करने से हमारा जो श्रावक का जो व्रत होता है सत्य व्रत वो खंडित होता है। ये जो सत्य व्रत है इसके 5 अतिचार है। सहसा अवखाने, सहसा का अर्थ है बिना विचारे, अवखाने का अर्थ है दोषारोपण करना। यदि मिथ्यारोप विचार पूर्वक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है तो वह अनाचार है, उससे श्रावक का व्रत टूट जाता है। किंतु उसे इस बात के लिए भी सावधान रहना चाहिए, बिना विचारे भी रोष या आवेश में आकर अथवा अनायास ही किसी पर
दोषारोपण न करे यह भी एक प्रकार का दोष है और व्रत में शिथिलता उत्पन्न करता है। बिना विचारे ही दूसरे पर मिथ्या दोषारोपण करना सहसा व्याख्यान है। जैसे तू चोर है, तू ऐसा है, वैसा है, ऐसा बोल देना, यह कार्य सहसा तक बिना विचारे किए जाने के कारण ही अतिचार कोटि में आता है। यदि तीव्र संकेत अर्थात दुर्भावना पूर्वक किया जाए, दुर्भावना यानी बुरी भावना से किया जाए तो अतिचार नहीं रहता, अनाचार बन जाता है। रहस्य अवखाणे, इसका अर्थ दो प्रकार से किया जाता है। पहला अर्थ है रहस्य अर्थात किसी की गुप्त बात को अचानक प्रकट करना। दूसरा अर्थ है किसी पर रहस्य अर्थात छिपे छिपे षड्यंत्र आदि करने का आरोप लगाना। उदाहरण के रूप में कुछ आदमी एकांत में बैठे परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं, अचानक उन पर यह आरोप लगाना कि वे राज्य विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं या कहीं पर चोरी डकैती आदि की योजना बना रहे हैं, ये कार्य भी अतिचार वही तक है जब मन में दूसरे को हानि पहुंचाने की भावना न हो और अनायास ही किया जाए। मन में दुर्भावना रहने पर यह भी अनाचार बन जाता है। यदि मन में आपको उसका नुकसान पहुंचाने की भावना है तब वो अनाचार बन जाता है। यह वृत्तिकार के निम्नलिखित शब्द हैं, तो रह का अर्थ एकांत और उसी का आधार लेकर मिथ्या दोषारोपण करना रहो अभ्याख्यान है। प्रथम अतिचार के अपेक्षा इसमें एकांत का आधार विशिष्टता है अथवा इसमें लगाया जाने वाला आरोप सर्वथा निर्मूल नहीं होता, उसकी संभावना रहती है और इसी आधार पर इसकी गणना अतिचारों में की गई है। व्रत भंग नहीं माना गया। सदार मंत भी अपनी स्त्री की गुप्त बातों को प्रकट करना, यानी अपनी वाइफ ने कोई हस्बैंड को विश्वास के साथ सारी बातें अपनी खोल करके वो बता देती है तो फिर वो हस्बैंड कभी कभी क्या करता है, उसकी जो सीक्रेट बात होती है वो दूसरे को बता देते हैं या अपनी फैमिली को, अपनी बहन को, मैंने किसी को बता देता है, जिसके कारण क्या है उसको बहुत कष्ट होता है। इससे क्या होता है, सावक का व्रत खंडित होता है। उनके प्रकाशित करने पर व्यक्ति को दूसरों के सामने लज्जित होना पड़ता है, अतः शेखी आवेश में आकर घर एवं परिवार की गुप्त बातों को प्रकट करना अतिचार है। मोसो ऐसे निशोपदेश झूठी सलाह देना या उपदेश देना, इसके कई अर्थ है। पहला यह है कि जिस बात के सत्य असत्य अथवा हिताहित के विषय में हमें स्वयं निश्चय नहीं है उसकी दूसरों को सलाह देना, हमें भी पता नहीं कि इससे क्या अच्छा होगा कि बुरा होगा, तो दूसरों को बोलना, हाँ तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये अच्छा होगा, तुम ऐसा बिजनेस शुरू कर दो, तुम्हारे घर के बाहर इतने सारे मच्छर होते हैं, तुम उसके ऊपर दवाई डाल दो, जूठा जूठा बोलते रहना। दूसरा यह कि किसी बात की असत्यता अथवा हानिकारिता का ज्ञान होने पर भी दूसरों को उसमें प्रवृत्त होने के लिए कहना, पता है कि इससे ये असत्य है मैं बोल रहा हूँ, इसे सामने वाले का नुकसान भी हो सकता है, जानते हुए भी जानबूझ करके उनको बोलना तुम ऐसा काम कर लो, ऐसा कर लो, इससे भी श्रावक का व्रत है खंडित होता है। तीसरा रूप यह कि वास्तव में मिथ्या अकल्याणकारी होने पर भी हम जिस बात को सत्य एवं कल्याणकारी मानते हैं उसमें हित बुद्धि से दूसरे को प्रवृत्त करना, आपको पता है कि ये काम है कल्याणकारी में अच्छा नहीं है, इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आने वाला है, पता होते हुए भी आप जानबूझ करके बोल नहीं काम बहुत अच्छा है तुम शुरू कर दो, उसका बेचारे का नुकसान हो जाता है, वो आपके विश्वास से वो कर लेता है। तीसरा रूप दोष कोटि में नहीं आता क्योंकि उसमें उपदेश देने वाले की ईमानदारी एवं हित बुद्धि पर आक्षेप नहीं आता। दूसरा आरोप अनाचार है, उसमें व्रत भंग हो जाता है। पहला आरोप अतिचार है, उसके अतिरिक्त किसी को हिंसापूर्ण कार्यों में प्रवृत्त करना प्रथम व्रत के अतिचारों में आ चुका है। पुडलेख करने, झूठे लेख लिखना तथा जाली हस्ताक्षर बनाना यानी झूठे सिग्नेचर बनाना, तो है नहीं सिग्नेचर फिर भी झूठे मूठे सिग्नेचर बना करके ऐसे लिख देते हैं, आजकल तो झूठे नहीं चलते होंगे क्योंकि कंप्यूटर पे आ गया सारा काम, लेकिन उस जमाने में सारी बातें हाथ से लिखी जाती थी तो झूठे सिग्नेचर भी बना देते थे, तो सामने वाला व्यक्ति सही मान लेता था इसका सिग्नेचर है, तो फिर उससे भी क्या होता है झूठा सिग्नेचर करने से भी हमारा जो सत्य व्रत है वो खंडित होता है। इस पर टीकाकार कहते हैं पूर्ण लेखकरण झूठा लेख लिखना ये अतिचार तभी है जब असावधानी या विवेकहीनता के रूप में किया गया हो,
यानी आपको जानकारी नहीं है या आपके जो विवेक होना चाहिए वो विवेक नहीं है, ऐसे आपने कर दिया तो अतिचार हो जाता। अर्थात श्रावक ये सोचने लगे मैंने झूठ बोलने का त्याग किया है, लिखने का नहीं किया, ये विवेकहीनता है। कभी कभी बोले मैं झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन लिख तो सकता हूँ, तो झूठ बोलना ये तो वचन योग हो गया और लिखना वो काय योग हो गया। तो जो झूठ बोलने का त्याग किया है वो लिख करके भी सिग्नेचर नहीं दे सकता है। अथवा कूट का अर्थ अविद्यमान वस्तु, उसका लिखना अर्थात जाली दस्तावेज बनाना या किसी के नाम की मुद्रा अथवा मोहर बनाना, दूसरे को धोखा देने के लिए जाली हस्ताक्षर बनाना आदि पूर्वोक्त अतिचारों के समान प्रस्तुत कार्य भी यदि असावधानी विवेकहीनता अथवा अन्य किसी रूप में अनिच्छा पूर्वक किया जाता है तो अतिचार है, और यदि दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए इच्छा पूर्वक किया जाए तो अनाचार है। या कभी कभी ऐसे ही बिना इच्छा से ऐसे कर लेते हैं, विवेक नहीं, आपने जानकारी नहीं, समझ नहीं, ऐसे कर ले तो अतिचार हो जाएगा। लेकिन दूसरे को हानि पहुंचे, नुकसान पहुंचे इस भावना से किया जाता है वो अनाचार हो जाता है। ये जो सत्यव्रत के हमने अतिचार जाने, ये अतिचार जानने चाहिए ताकि हम ऐसा काम न करें, लेकिन ऐसा हमें अप्लाई इसका नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले बता दिया कि जानने योग्य है लेकिन आचरण करने योग्य नहीं है। और सत्यव्रत की कितनी बड़ी विशेषता है, कहा जाता है कि जो व्यक्ति 12 साल तक सत्य बोलता है, कभी भी सपने में भी झूठ नहीं बोलता है, उसे वचन सिद्धि मिलती है, ऐसा उल्लेख मिलता है। और इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि जो भी हमें विद्या की प्राप्ति करनी है, जो भी हमें मंत्र सिद्ध करना है, तो मंत्र की सिद्धि कब होती है, विद्या की प्राप्ति कब होती है, जब हम सत्य बोलते हैं। सत्य बोलने से मंत्र की भी सिद्धि होती है, विद्या की भी प्राप्ति होती है। और ये जो सत्य व्रत है वो बहुत ही मतलब प्रभावशाली है। सत्य के प्रभाव से कहा जाता है अग्नि होती है वो भी पानी बन जाती है सत्य के प्रभाव से। और कभी भी सत्य के प्रभाव से जो हमारी बोट होती, जहाज होती, वो भी नहीं डूबती है। आज तक ये संसार में जो भी मतलब बड़े बड़े जो काम करते हैं कई लोग, तो सत्य के प्रभाव से बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं। यदि वो झूठ बोल लेता है तो उसी समय वो धराशायी हो जाता है, उसको नीचे पटक देते हैं। ऐसे भी आता है, एक एग्जाम्पल, एक राजा था, बहुत ही सत्यवादी था, तो सत्यवादी के कारण इतनी मतलब देवता लोग भी उनकी इतनी सेवा करते थे, उनका जो सिंहासन था वो अधर चलता था, आकाश से अधर चलता था, जमीन पर नहीं, जमीन से ऊपर चलता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, किसी कारणवश वो झूठ बोल देते हैं। जैसे ही वो झूठ बोलते हैं तो सत्यव्रत के रूप में इनकी प्रसिद्धि थी, जैसे ही झूठ बोला तो तुरंत ही उसका जो सिंहासन जो जमीन से ऊपर चलता था, आकाश में चलता था, वो उसी समय देवता ने नीचे पटक दिया। और राजा की क्या गति हुई पता नहीं, क्योंकि तो झूठ बोलने से ऐसा ऐसा भी हो जाता है। तो हमें क्या है, ये झूठ क्या करता है, हमारा जो संयम होता है उसको नष्ट करता है। और झूठ बोलने से हिंसा का पाप भी लगता है। हिंसा और झूठ दोनों में संबंध है परस्पर में। जो व्यक्ति अहिंसा का पालन करेगा वो झूठ नहीं बोलेगा, जो झूठ नहीं बोलेगा वो हिंसा भी नहीं करेगा, परस्पर में संबंध है। और झूठ क्या है, लोक में भी अच्छा नहीं लगता है, व्यवहार में भी उसकी छाप खराब होती है, देखो ये व्यक्ति कैसा है, इसका विश्वास नहीं करना क्योंकि बहुत झूठ बोलता है। तो हम क्या झूठ बोलते हैं उनके ऊपर विश्वास भी नहीं करते हैं। और कभी कभी व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता रहता है, झूठी मूठी, तो झूठी मूठी अपनी प्रशंसा करता है, उस पर भी व्यक्ति को विश्वास नहीं करता है। हम ऐसा झूठ ना बोले जो सामने वाले व्यक्ति को नुकसान हो, कष्ट हो। और झूठ बोलने से ये जन्म भी हमारा बिगड़ता है और नेक्स्ट बर्थ भी बिगड़ता है, क्योंकि इस जन्म में कोई हमारे पे विश्वास नहीं करता है। और नेक्स्ट बर्थ में आपको बताया कि झूठ बोलने से हमें ऐसे स्थान में जन्म लेना पड़ता है जहां हमें जीव नहीं मिलती है। जीव आपको पता है, दो इंद्री जब बनती है तब जीव चालू होती है, लेकिन एक इंद्री में हमारा जन्म हो जाता है। इसीलिए हम ऐसा काम न करें, आज से हम संकल्प करें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, बड़ी झूठ नहीं बोलेंगे जो श्रावकों के लिए, क्योंकि साधु होता है वो तो सूक्ष्म झूठ भी नहीं बोलता है, लेकिन श्रावक है उनके लिए सूक्ष्म झूठ तो खुली है, उसमें उनका अतिचार है।
मतलब उनका जो व्रत है वो भंग नहीं होता है, लेकिन जो बड़ी झूठ है वो बोलने के लिए मना किया गया है। तो भगवान महावीर आनंद श्रावक को ये सारे अतिचार समझा रहे हैं। आज भगवान महावीर ने सत्य व्रत के अतिचार समझाए और कल हम देखेंगे अष्टे व्रत के अतिचार भगवान महावीर कैसे आनंद श्रावक को समझा रहे हैं। आप सब भाग्यशाली हैं कि भगवान की डायरेक्ट वाणी आपको सुनने को मिल रही है अमेरिका में भी, तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी लगन से सुनते हैं तो सभी को साधुवाद है। इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।